मैं हिंदू के सिवा दूसरे हाथ किसी के हाथ का नहीं खाता, नंबर एक का पवित्र, सिवा ब्राह्मण के दूसरे के हाथ का नहीं खाता, नंबर दो, सिवा धर्माधिकारी फैमिली के हाथ का नहीं खाता, नंबर तीन, सिवा बीवी के हाथ का नहीं खाता, नंबर चार, खुद पकाता और खुद खाता हूँ, स्वयं पाकी हूँ, सबसे ऊंचा। पवित्र भावना इंसान से दूर रखने की अगर होगी तो आदमी ने उसको कहा था, इसको मराठी में मानुस घाणे पड़ा कहते, इंसान से तुम जितना दूर रहना चाहते हो उतनी इंसान जब कम हो। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि कोई भी नर्स कभी तुमको हिंदू नहीं मिलती, क्यों? छुआछूत जहां होगी वहां सेवा कैसे आएगी? इसलिए हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा आई, भूत दया आई, गाय को पिलाओ, कुत्ते को पानी पिलाओ, मूर्ति की पूजा करो, मनुष्य सेवा मिसिंग थी। ये मनुष्य सेवा डेवलपमेंट बाद में हुई, विवेकानंद आए, ये गांधी आए, विवेकानंद ने ये कहा था कि ये छुआछूत की और पवित्र भावना की, यानी बर्तन सफाई की जो तुम्हारी भूमिका है रसोई घर में की, वो ही अगर कायम रहेगी तो। एक सवाल हमारे पिताजी ने अपने अंकल से पूछा था, ये जो आया नौकर था, दलित था, इसको उन्होंने जूता मारा, जूते से पीटा, और हम अपवित्र होकर करके ताप्ती नदी पर नहाने गए, तो दादा ने पूछा कल अपने घर को आग लगी तो ये आपका नौकर आग बुझाने आएगा कि तालियां बजाएगा? एक बार सोच लीजिए कि मनुष्य से मनुष्य को अलग रखने की, इसलिए आज हिंदू रिलीजन में कास्ट रियलिटी है, रिलीजन फिक्शन है। जिसको कास्ट नहीं ऐसा हिंदू हो सकता है? इसलिए तीसरा फिर डांगे ने कहा था, विद ऑल आर्ग्यूमेंट फेल, कास्ट इन द ओनली आर्ग्यूमेंट विच हैज नो डिफेंस, क्योंकि माँ बाप तो बदल नहीं सकते। इसलिए कास्टिज्म जितना बड़ा आज अपने देश में, और हिंदुओं में कास्ट नहीं ज्यादा है, ये कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, नहीं तो कन्वर्शन टू हिंदुइज्म इम्पॉसिबल था। और समाज में दलितों के और बाकी की जितनी व्यवस्था थी, और ये फिरका परिस्थिति, इसका परिणाम भी हुआ कि मैक्सिमम निर्यात एक्सपोर्ट हिंदू धर्म से हुआ है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट फ्रॉम हिंदू रिलीजन। मुसलमान भी हिंदू ही बने, क्रिश्चियन भी हिंदू बने, और परिणाम अंग्रेज के राज में ये था कि अभी साल्वे वगैरह ये सब है, ये दलितों को घर में नहीं आने देते थे, पिछले दरवाजे से नहीं आने थे, ये क्रिश्चियन बनने के बाद तुम्हारे ड्राइंग रूम में आके बैठे। इसलिए वो एक तो बाहर ने फिर अपन ने कॉम्प्रोमाइज किया ना, अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज ऐसा किया कि प्रेम विवाह के लिए हिंदू होती, मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ उसको कन्वर्ट करो तो फिर हस्बैंड की कास्ट दे दो। लेकिन अड़चन दूसरी आती, हमारा वासनिक है अभी मिनिस्टर बना, इसके पिताजी दलित थे, माँ ब्राह्मण थी, माँ दलित नहीं बनी शादी के बाद, तो मुकुलवासनिक, हाँ मुकुलवासनिक की माँ ब्राह्मण थी, वो उसके पिताजी दलित थे, लेकिन माँ उसकी दलित नहीं, दलित के वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि कास्ट तो जन्म किसी और बदलती है। जन्माश्रित सत्ता और जन्माश्रित प्रतिष्ठा दो खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय हमारे पिताजी ने रखी थी कि तीसरी जनरेशन के बाद चौथी जनरेशन में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, हाँ नहीं तो उस घर के लोग लड़के कभी कमाई नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं, खानदान चल रही है,
अभी भी राजा ही कहलाते, कुछ रहे न रहे और प्रॉपर्टी बेच के जीतते हैं। अब तो राजस्थान का हर महल होटल बना है, क्योंकि महल तो मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए कास्टिज्म जहां होगा, जात रियलिटी होगी, उसका उस रिलीजन में भी ताकत नहीं आती, क्योंकि फिरका परस्ती साथ नहीं गए। अब वो कन्वर्ट हुए, अब कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन। तुमको बताता हूं, गोवा में गया, मराठी पेपर में स्टार था कि लड़की चाहिए शादी के लिए, लेकिन कोक्रस्त ब्राह्मण क्रिश्चियन लड़की चाहिए। वो नहीं गई, कास्ट नहीं गई कन्वर्शन के बाद। इसलिए होमोजेनिटी इस कंट्री में लाना बहुत मुश्किल जा रहा है। वो मैंने तुमने कहा कि वर्ल्ड की सारी पर समस्या है, मेरे देश में जाति की समस्या है, कलर की है। शादी के लिए लड़की हमेशा गोरी चाहिए, इसलिए तुम्हारा कलर बायस भी है ही। कलर बायस है, कास्टिज्म है, रिलीजन का है, कौन सा नहीं है। इसलिए जो नेता मेरे देश का अखिल भारतीय नेता बनेगा, वो दुनिया का नेता बनता है, अपने आप बनता है। ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इसलिए लूथर किंग ने जब कहा था कि मैं सारे देशों में टूरिस्ट करके गया, हिंदुस्तान में मैं पिलग्रिम करके आया, और बंबई आने के बाद ताजमहल होटल में रहने का इंतजाम किया, तो नहीं रहा मणिभवन में रहा। और वो मणिभवन का तुमको बताता हूँ, टॉयलेट भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नहीं कहे यही मैं रहना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं आया हूँ, बाकी चीजें तो मिल जाएगी। इसलिए गांधी से 3-4 लोगों ने बहुत लिया, मंडाले ने एक लिया, क्योंकि आम आदमी के पास शस्त्र नहीं हो सकता, और शस्त्र की अगर रेस होती है तो उससे बड़ा शस्त्र निकल सकता है। नॉन वायलेंस उन्होंने जो सत्याग्रह किया, उसको भी सत्याग्रह नहीं कहा, रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज किया, असिस्टेंस इन द राइट डायरेक्शन कहा, क्योंकि जिसके खिलाफ सत्याग्रह किया उससे भी दुश्मनी, उसके सुधारने के लिए सत्याग्रह, इसलिए उसमें शक्ति आई। अब तुम देखो ना, छोटी सी लड़की थी, अब तो काफी योग हुई, जो बर्मा की जेल में पड़ी, अच्छा ही नाम है उसका, भूल गया, हाँ, उसको अभी तक नोबेल प्राइज से सब मिला, हर बार उसके साथ लोग हैं। आज सूजी गुरु जी यहाँ के थे, अकेले जाके बैठे थे यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के सामने। आज भी वाशिंगटन के दरवाजे पर एक महिला 14 साल से बैठती, एक साइन बोर्ड लेके, इफ यू किल समबडी बाय वेपन यू विल डाई बाय द वेपन।